वायरस किस तरह से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है ये बात आप सब जानते हैं। अगर अकेले देश भारत की बात की जाए, 73 से ज्यादा मामले कोरोना वायरस को लेकर सामने आ गए हैं, यानी अब इस वायरस को काफी ज्यादा संजीदगी के साथ लेने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़े कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। अब तक ऐसे लोग हैं कई जो इस वायरस को उतना सीरियसली नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए था, और अब इन सबके बीच कोरोना वायरस की चपेट में बिग बॉस सीजन 13 के फर्स्ट रनर अप आसिम रियाज आ गए हैं और आसिम रियाज के इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो आउटडोर शूटिंग पर नहीं जा रहे हैं, बॉलीवुड के कई सितारे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों की रिलीजिंग को पोस्टपोन कर दिया है, वहीं आसिम रियाज के वो फैंस जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे और आसिम के वहां आने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर आ गई है। एक लाइव चैट के दौरान आसिम ने इस बात का खुलासा किया कि कोरोना वायरस की वजह से वो जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आसिम को अपने घर जाना था, आसिम रियाज को जम्मू कश्मीर में इवेंट अटेंड करना था, लेकिन कोरोना वायरस के कहर की वजह से फिलहाल आसिम रियाज जम्मू कश्मीर के अपने इवेंट को कैंसिल कर चुके हैं। He had to cancel the plan due to the current coronavirus scare. बता दे आपको, कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ आसिम रियाज नहीं है जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह से पोस्टपोन किया हो। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का जिक्र कर लीजिए, या फिर यहाँ करण जौहर की फिल्म तख्त की शूटिंग की चर्चा कर लीजिए। ये तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 31 मार्च तक थिएटर्स पर ताला लगा दिया गया है, थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अक्षय कुमार कटरीना कैफ स्टारर फिल्म जो आ रही थी सूर्यवंशी, उसकी रिलीजिंग डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। खैर, कोरोना वायरस को लेकर हम यही कहेंगे, सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखिए, लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, खासकर उन लोगों से जो पहले ही इससे ग्रसित हैं, क्योंकि फिलहाल कोरोना वायरस से सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।